सर्जिकल स्ट्राइक की बढ़तें, भारतीय ड्रोन सरहद तक पार न कर पाए। पाक फौज ने बाग सेक्टर में भारतीय ड्रोन मार गिराया। डीजी आईएसपीआर कहते हैं कि इंशाल्लाह भारतीय ड्रोन तक को सरहद पार नहीं करने देंगे। भारतीय वजीर आजम की पाकिस्तान को फिर धमकी, कहा एक लड़ाई से पाकिस्तान सुधर जाए ये सोचना बड़ी गलती होगी, पाकिस्तान को सुधारने में अभी और वक्त लगेगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर मुल्क में पाकिस्तान की जुबान बोली जा रही थी, सार्क सरबराह इजलास की दावत पर ये पुल पार किया जाएगा। मोदी सरकार इंतखाबात में सियासी हरबा इख्तियार कर रही है, तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, अमन की ख्वाहिश का इजहार करते हुए मोदी हुकूमत को खत भी लिखा, ऐसे बयानात से मसाइल हल नहीं होते। और लोरालई में एफसी ट्रेनिंग सेंटर के रिहायशी हिस्से पर हमले की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, खुदकुश बमबार समेत तमाम चार दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में चार अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, सूबेदार मेजर मुनव्वर, हवालदार इकबाल खान, हवालदार बिलाल और सिपाही नक्शब शामिल। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आप अलायजा कर चुके हैं, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम होगा 11th आवर, देखते रहिए ARY न्यूज।